हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ अश्वगंधा के लड्डू। अश्वगंधा के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम अश्वगंधा, आधा कटोरी लिया है मैंने सूजी, आधा कटोरी लिया है मैंने गोंद और थोड़े से काजू के टुकड़े लिए हैं, एक बड़ा कटोरी मैंने आटा लिया है और 250 ग्राम मैंने लिया है घी और 300 ग्राम मैंने ली है चीनी बारीक वाली। गरम कर लेते हैं और घी डाल देते हैं इसमें। आधा घी डाल दिया मैंने इसमें। घी को गरम कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जो अश्वगंधा लिया है ये लकड़ी आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। मैंने इस लकड़ी का इसको मतलब कूट के इसका मैंने पाउडर बना लिया है। आप भी इसका कूट के पाउडर बना लीजिए। डाल देते हैं इसमें। सूजी डाल देते हैं। हल्के हल्के हाथों से आटे को थोड़ा ब्राउन होने तक भूनेंगे। और फ्रेंड्स, अश्वगंधा के लड्डू बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आपको पता है ये आयुर्वेद में भी कितना इम्पोर्टेंट बताई है इसकी। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है ये और बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। आप एक बार ज़रूर बना कर देखिए। ये इस तरीके से लड्डू बनाओगे तो कड़वे भी नहीं लगेंगे आपको बिल्कुल भी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। एक बार आप ज़रूर बना कर देखें जी। और हमारा ब्राउन हो चुका है, इसमें गोंद डाल देते हैं। हमारा आटा गरम है इसलिए गोंद के जो फुल्ले अपने आप उड़ जाएंगे इसमें। देखना, मैं ये आपको नई तरकीब दिखा रही हूँ। देखना, इसमें सारा गोंद फूल जाएगा अपने आप। देखिए फ्रेंड्स, सारा गोंद फूल चुका है, ये देखिए। देखिए सारा गोंद फूल चुका है इसमें। इसी में बूरा डाल देते हैं। अब बंद कर देते हैं और इसी में अश्वगंधा डाल देते हैं। इसे भी मिला लेते हैं अच्छी तरीके से। इसमें फ्रेंड्स आप काजू, बादाम या मखाने सब डाल सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ नहीं डाला है। इसमें गोंद डाला है, इससे भी बहुत अच्छा स्वाद आएगा आपको। मैंने फ्रेंड थोड़ी सी चीनी ज़्यादा डाली है इसमें, क्योंकि थोड़ा ये कड़वा होता है ना, इसलिए आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब जो बचा हुआ घी है वो डाल देते हैं इसमें। इसे मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, घी भी अच्छी तरीके से मिल चुका है। अब इसके थोड़ा ठंडा करके लड्डू बना लेते हैं। अब फ्रेंड्स इसके लड्डू बना लेते हैं। ये गरम गरम में ही लड्डू अच्छा बनेगा और घी भी मैंने आपको पता अच्छी तरीके से डाला है। इस तरीके से घुमा घुमा के इसके लड्डू बना लीजिए। हमारे लड्डू बनकर कितने अच्छे तैयार हुए हैं और आप एक बार जरूर बनाकर देखिए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्थीमंद है ये और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही हेल्थी है। ऐसे तो हम अश्वगंधा खा नहीं सकते क्योंकि बहुत कड़वा होता है, और आप इस तरीके से लड्डू बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेंगे आपको। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेंगे कि ये अश्वगंधा के लड्डू हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और प्लीज़ आपको मेरा थोड़ा सा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।